मटन टिक्की जो है 280 रुपए की दे रहे हैं और राशि यहाँ पर इतना है, ये देखेंगे इस वक्त ये अपने ग्राहकों को वापस भेज देंगे क्योंकि मटन टिक्कियाँ जो ख़त्म होने वाली है थोड़ी सी देर रश लगा हुआ है। और मैंने खाई है यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त है ये मटन टिक्की जो है। नाश्ता जो है वो आ चुका है हलवा पूरी का देसी घी में तैयार शुदा, ये देखें ये सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ है, ये मटन टिक्की है ये वाली तो बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त लग रही है। ये साथ में चने आ गए, आलू की भजिया, ये देसी घी में तैयार हुआ हुआ हलवा है और साथ में ये पूड़ियाँ आ गई। वाह यार ज़बरदस्त है, देखें रश लगा हुआ है इस वक्त जो है, ये मटन टिक्कियाँ तैयार की जा रही हैं देसी घी में। इनकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये देसी घी यूज़ करते हैं और इसी वजह से लोग जो हैं दूर दूर से खाने के लिए आते हैं यहाँ पर। हलवा पूड़ी, ये चांद शहाब स्वीट है और इनकी दो दुकानें हैं, ये सामने वाली दुकान पर भी रश है इस वक्त। और ये देखें क्या ज़बरदस्त ये देखें सीन है, ये स्पेशल मटन टिक्की है और इसकी प्राइस है जी 280 रुपए की एक है ये। उसके बाद ये गर्मा गर्म ये पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं यहाँ पर, ये देखें ये आटे की पूड़ी है, ये भी देसी घी में बनाई जा रही है। पूड़ी का साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, और ये है जनाब इनकी हलवा पूड़ी वाली दुकान जो है। यहाँ पर कुछ सीटिंग का भी इन्होंने किया हुआ इंतज़ाम जहाँ बैठ के नाश्ता कर सकते हैं और ये कोई 50 साल पुरानी दुकान है। लोकेशन इसकी है जी खुस्सा मार्केट जो है अंदरून लाहौर में। ये भी 1200 का किलो है जी, 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 ये भी 1200 का कि
ये है चांद शहाब स्वीट और इन्होंने मुझे बताया कि जो भी चीज़ है वो देसी घी में बनी हुई है और यहाँ पर इनके बैठने की जगह है, ये देखिए इन्होंने बनाई हुई है जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। सामने मुझे काउंटर नज़र आ रहा है जिसमें मिठाई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा भाईजान आपको जायका लगा इनका, टेस्ट कैसा है? अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं आप नाश्ता करने यहाँ पर? कितने साल से मैं कहा नाश्ता करने आ रहे हैं मैं? 10 साल से आप ये आ रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी पुरानी दुकान है ये। अच्छा, तो हलवे का कैसा जायका होता है? देसी घी में बनता सारा कुछ? देसी घी में होता है सारा कुछ? बनता हर चीज़ देसी घी में बनती है। आज इतवार का दिन है और रश इतना लगा हुआ है कि हमें पूड़ी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा है। यहाँ पर इतना रश होता है क्योंकि ये स्पेशल होती हैं जी, हलवा पूड़ी जो है देसी घी में बनाया जाता है, सब कुछ इनका देसी घी में बनता है। तो यहाँ पर आपको रश ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। फाइनली पूड़ियाँ जो है वो मिल गई हैं और ये देखें मटर टिक्की भी मैंने ले ली है, ये वाली बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये और खाकर चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका जायका कैसा है। नाश्ता जो है वो आ चुका है हलवा पूड़ी का, देसी घी में तैयार शुदा। ये देखें ये सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ है, ये मटर टिक्की है ये वाली, तो बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त लग रही है। ये साथ में चने आ गए, आलू की भजिया, ये देसी घी में तैयार हुआ हुआ हलवा, साल में ये पूड़ियाँ आ गई, तो वो काफ़ी लगी हुई है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। देखें जी ये शामी ये आ गई है मटर टिक्की, है देखें क्या ज़बरदस्त है, ये देखें चेक करें, ये मटर टिक्की है, इसमें सारा ये देखें मटन लगा हुआ है, ये तो गर्म है बिल्कुल, सस्ता है ये टिक्की। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है, मैं 10 out of 10 इसको नंबर दूंगा, ये चेक करें जरा, ये मटन टिक्की जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है। पूड़ियाँ हमने गर्मा गर्म दोबारा मंगवा दी हैं, पूड़ी का साइज़ इनका जो है वो बहुत छोटा है, ये देखें ये पूड़ी का ये साइज़ है, और चने जो हैं वो बस ठीक है। लेकिन मटन टिक्की है देखें जी, ये इसमें मटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो बड़ी ज़बरदस्त है, हंसता है बिल्कुल। ये सबसे अच्छी चीज़ जो है ना मुझे वो इनकी मटन टिक्की लगी है, देखने ही में इतनी ज़बरदस्त है और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो मुझे सबसे स्पेशल चीज़ लगी है ना वो मटन टिक्की है, ये देखें ये बच्ची, ये मटन टिक्की जो है मैं आपको खा कर बताता हूँ कि कैसी है। भाई वाह, बहुत ही सस्ता जायकेदार है, और बाकी पता लग रहा है कि आपने कोई चीज़ खाई है। हाँ ये देसी घी में इन्होंने बनाई हुई है, देखे मटन नज़र आ रहा है ये, मटन टिक्की जो है ये 280 रुपये की दे रहे हैं और राशि यहाँ पर इतना है। ये देखें कि इस वक्त ये अपने ग्राहकों को वापस भेज देंगे क्योंकि मटन टिक्कियाँ जो ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ी सी रह रश लगा हुआ है। और मैंने खाई है यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये मटन टिक्की जो है।